पाकिस्तान में तालीम के लिए अपने और अपनी जैसी तमाम लड़कियों के हक की जंग जीतने वाली मलाला यूसुफजई अब यूपी की बेटियों की जिंदगी में रोशनी भर रही हैं। मलाला ने यूपी के 20 गांव के गरीब घरों में तालीम का उजियारा फैलाने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत हुई है संगम नगरी इलाहाबाद से। अपनी बहादुरी और शिक्षा के अपने मिशन के लिए नोबेल पुरस्कार हासिल कर चुकी पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुफजई अब भारत में भी तालीम की नई रोशनी बिखेरेगी। मलाला ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के सबसे पिछड़े 10 गांव की गरीब लड़कियों को तालीम से जोड़ने का मिशन शुरू किया है। तालीम का यह उजियारा यहाँ के बीड़ी बनाने वाले बेहद गरीब मुस्लिम परिवारों और पत्थर तोड़ने वाले आदिवासी परिवारों की लड़कियों के बीच सबसे पहले बिखरेगा, जिसके लिए मलाला का मलाला एजुकेशन फंड सामने आया है। ऐसी बालिकाओं को जो शिक्षा से वंचित हैं और खासकर मुस्लिम हैं और दूसरे जात से संबंधित हैं, उनको जो है शिक्षा से जोड़ने, शिक्षा के मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूलों में दाखिला कराया जा रहा है और इस कार्यक्रम को पूरा सपोर्ट NAC कर रहा है और मलाला फंड के माध्यम से। मलाला एजुकेशन फंड के कैंपेन ही नेम्ड मी मलाला के तहत इलाहाबाद के सबसे पिछड़े इलाके कोराओं के 10 गांव के करीब 400 से ज्यादा बेटियों को जोड़ा गया है। ये वो बेबस और गरीब परिवार हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। अपनी लड़कियों को तालीम ये ऐसे में दे पाए भी तो कैसे, जिसे देखते हुए मलाला एजुकेशन फंड की तरफ से गरीब लड़कियों को तालीम देने के लिए चिन्हित किया गया है। इन लड़कियों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने से लेकर उन्हें तालीम की पूरी मदद मलाला की संस्था की तरफ से दी जाएगी। इसी साल फरवरी में मलाला यूसुफजई ने भारत में विशेष बालिका शिक्षा अभियान ही नेम्ड मी मलाला का आगाज किया था, जिसके लिए देश के 6 शहरों का चयन हुआ था। इनमें राजस्थान का उदयपुर और भरतपुर, बिहार का समस्तीपुर और यूपी के इलाहाबाद और मेरठ शामिल है। प्रोजेक्ट में इलाहाबाद के नैनी और मेरठ के जानी ब्लॉक के 10 गांव के 10 सरकारी स्कूल शामिल हैं। ऑक्सफैम, यूनिसेफ, एन ब्लॉक और नेशनल कोएलिशन ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर ये अभियान चलाया जा रहा है। यही नहीं, मलाला का ये मिशन दुनिया के दूसरे कई हिस्सों में चल रहा है, खासकर सीरिया और दूसरे कई देश जो गृह युद्ध से जूझ रहे हैं, वहाँ मलाला फंड बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। बच्चों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया भर के 7.5 करोड़ बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद की सख्त जरूरत है। लड़कियों की शिक्षा के लिए मलाला की ये लगन वाकई काबिले तारीफ है और ये कोई पहली बार नहीं है। शिक्षा अभियान के लिए तो मलाला ने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। जब पाकिस्तान में लड़कियों के लिए शिक्षा अभियान चलाने के दौरान 2012 में मलाला यूसुफजई के सिर पर गोली मारी गई थी और काफी कोशिशों के बाद उनकी जान बचाई जा सकी थी। मलाला के इस जज्बे को दुनिया का सलाम। इलाहाबाद से दिनेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।